एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन चार पांच बार नहीं, बल्कि लगातार छठवीं बार इंदौर को भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है। 35 लाख की आबादी के साथ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, जिसे वहाँ की कॉमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है, हर दिन लगभग 19 लाख किलो वेस्ट जनरेट करता है। इसके बावजूद भी इसने अवार्ड जीतकर पूरे भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। आज ये सफाई के मामले में टॉप पर है, पर इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों दैट इट वॉजंट ऑलवेज लाइक दिस। 2016 के स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में इंदौर की रैंक 25वीं थी। इनफैक्ट वहीं के रहने वाले एक नूतन संवत्सकर जो कि एक रिटायर्ड टीचर हैं, उनका कहना है गार्बेज डम्प हमेशा ओवरफ्लो करते रहते थे, जगह जगह पर कचरे के ढेर हुआ करते थे, और अगर कुछ सालों पहले मुझे किसी ने ये बताया होता कि एक दिन ये शहर ऐसा दिखेगा तो मैं उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। तो अब सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि ऐसा हुआ कैसे, जो शहर एक दिन कुछ इस तरह दिखता था वो आज इस तरह कैसे दिखता है। क्या किसी ने कोई जादू की छड़ी घुमाई, या फिर ये एक टीम वर्क है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, आम जनता का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का और कुछ कर दिखाने के जज्बे का। बात करते हैं आज की वीडियो में। वो क्या चीज है जो इंदौर को सभी से अलग लगातार 5 साल से क्लीनेस्ट सिटी बनाती है। सरकार ने इंदौर को देश का सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया था। इंदौर को छठी बार स्वच्छता के मामले में पहला स्थान मिला है। इंदौर शहर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार छठी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसलिए उनमें उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सराहना करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष बंसल और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जर्नी पर लेकर जाऊंगा जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे इंदौर शहर गार्बेज फ्री बना और आज की डेट में बाकी शहरों के लिए भी सीखना क्यों और कितना जरूरी है। तो अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियों को बांध लीजिए और आइए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, इस मुकाम को हासिल करने के लिए इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि IMC ने वहां की पब्लिक के साथ मिलकर दो बड़े स्टेप्स लिए। सबसे पहला तो 100% सेग्रीगेशन एट सोर्स, यानी कि जहां से भी वेस्ट को इकट्ठा किया जा रहा है, चाहे वो घरों से हो, कमर्शियल आउटलेट से हो या फिर फैक्ट्री से, वहीं उसे वेट और ड्राई वेस्ट में अलग करके दिया जाए। आज की डेट में इंदौर में 99% ऑफ लोग अपना वेस्ट अलग करके देते हैं, पर जब 2016 में इस प्रैक्टिस की शुरुआत हुई थी तो कहानी शायद थोड़ी अलग थी। गौतम कनेरिया जो कि वहाँ पर एक गार्बेज वैन ड्राइवर हैं, उनका कहना है कि जब इस वेस्ट सेग्रीगेशन की शुरुआत हुई थी तो लगभग 80% लोग इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, और जब भी उनसे ऐसा करने के लिए कहा जाता था तो वो अपने एरिया की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग परेशानियाँ जैसे कि इम्प्रॉपर ड्रेनेज, वाटर लॉगिंग और मॉस्किटोज जैसी परेशानियों को पहले सॉल्व करने के लिए कह देते थे। तो अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए IMC ने एक हेल्पलाइन सेटअप की और कहा कि इस हेल्पलाइन पर जो भी इस तरह के इशूज़ रिपोर्ट होंगे वो 48 घंटे के अंदर अंदर रिजॉल्व किए जाएंगे। तो अब जैसे जैसे लोगों को ये दिखने लगा कि उनके इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं तो उनके मन में IMC के लिए एक ट्रस्ट डेवलप हो गया कि भैया अगर ये हमारी बात सुन रहे हैं तो शायद हमें भी इनकी बात सुननी चाहिए। और देखते ही देखते द नंबर ऑफ पीपल सेग्रीगेटिंग देयर वेस्ट इंक्रीज ड्रास्टिकली। अच्छा, कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर इंदौर में और बाकी शहरों में भी ये वेस्ट सेग्रीगेशन पर इतना ध्यान क्यों दिया जाता है, और अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो अथॉरिटीज खुद कर लें, हमसे करने के लिए क्यों कहती हैं। मैं बताता हूँ, देखिए आपका जितना भी ड्राई वेस्ट होता है जैसे कि पेपर हो गया, थर्माकोल हो गया, कपड़ा वगैरह, जब ये वेट वेस्ट के साथ मिक्स हो जाता है तो ये बिल्कुल यूजलेस हो जाता है, और इसको रिसाइकल करके जितना भी रीयूज़ किया जा सकता था वो सब जीरो हो जाता है। एंड सेम गोज फॉर द वेट वेस्ट, जैसे कि आपके फ्रूट्स के छिलके हो गए, वेजिटेबल्स के छिलके हो गए, चाय पत्ती हो गई, बचा हुआ खाना हो गया, ये जितना भी सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जब ये ड्राई वेस्ट के साथ मिक्स हो जाता है तो इसको रिसाइकल करके जो कंपोस्ट बनाया जा सकता था उसकी क्वालिटी पर काफ़ी असर पड़ता है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि इसको सोर्स पर यानी कि आपके घर पर ही जहाँ पर ये जनरेट हो रहा है वहीं पर अलग करके आगे दिया जाए। अब जितनी अच्छी वेस्ट की क्वालिटी होती है उतना ही ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज को इसमें इंटरेस्ट आता है। अगर इंदौर की बात करें तो यहाँ पर नेप्रा जो कि एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने इंडिया की सबसे बड़ी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी यहाँ पर सेटअप की है, जहाँ हर रोज़ लगभग 400 मेट्रिक टन वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है। इसके साथ ही वेट वेस्ट के लिए इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट भी सेटअप किया गया है, जो कि शहर से कलेक्ट किए हुए वेट वेस्ट पर चलता है। इस वेट वेस्ट से ये प्लांट हर साल करीब 17 से 18 हज़ार किलो बायो CNG जनरेट करता है, जो कॉमर्शियल CNG से 5 रुपये सस्ती भी होती है, और जिसकी मदद से पूरे शहर में करीब 150 सिटी बसेस भी चलती हैं।
अब CNG सस्ती होने की वजह से यहाँ की बसों का किराया भी सस्ता होता है और इवेंचुअली ये प्रॉफिट भी कस्टमर को ही मिलता है जिसने शुरुआत में अपने घर से वेस्ट को सेग्रीगेट करके दिया था। यानी कि जो थोड़ा सा समय आपने वेस्ट को सेग्रीगेट करने में लगाया था वो घूम फिर के पैसों के रूप में आप ही के पास वापस आ जाता है। दूसरा मेजर स्टेप जो IMC ने लिया वो था वहाँ की रोड्स की क्लीनिंग, जो कि शायद एक शहर की सफाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आप किसी नए शहर में एंट्री लेते हो तो सबसे पहले आपको वहाँ की रोड्स दिखती हैं। अब लगातार ट्रैफिक चलने की वजह से दिन में मेन रोड्स की सफाई करना बेहद मुश्किल होता है, इसीलिए इंदौर में रात को सड़कों की सफाई की जाती है। हर रात करीब 800 किलोमीटर की मेन रोड्स को मशीनों से और फुटपाथ्स और डिवाइडर्स वगैरह को पानी से साफ किया जाता है। और कमाल की बात यह है, ऐसा करने के लिए जो पानी चाहिए होता है वो भी रिसाइकल्ड वाटर होता है, जो कि वहीं के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ही प्रोसेस किया जाता है। इसके अलावा वहाँ के वर्कर्स जो कि सारी रात काम करते हैं उनका भी बराबर ध्यान रखा जाता है, जैसे कि जनरली उन्हें अपने घर से 2 से 3 किलोमीटर के अंदर ही काम दिया जाता है ताकि उनका आने जाने में समय बर्बाद ना हो और समय समय पर उन्हें रिवॉर्ड्स देके उनकी सर्विस के लिए रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। अब इंडिया में सड़कें दो ही तरीके से गंदी होती हैं। पहला तो जब लोग अपनी गाड़ियों से कचरा बाहर फेंकते हैं, चाहे वो गुटखा थूकना हो, सिगरेट की बर्ड हो या फिर चिप्स का छिलका। और दूसरा तरीका होता है जब लोग ओपन में डेफिकेट करते हैं। लेकिन इंदौर ने इस प्रॉब्लम का भी सलूशन निकाल लिया। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2018 में IMC ने कार ओनर्स को लगभग 1000 से भी ज़्यादा बॉटल शेप डस्टबिन बांटे, जिन्हें कार के बॉटल होल्डर्स में फिट किया जा सकता था ताकि वो लोग अपनी गाड़ियों से कूड़ा बाहर ना फेंकें और जिन सड़कों को वहाँ के वर्कर्स दिन रात साफ कर रहे हैं उन्हें गंदा होने से बचाया जा सके। इसके अलावा हर 200 मीटर पर पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए गए और उन्हें प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाता है ताकि लोगों को उन्हें यूज़ करने से पहले एक बार भी सोचना ना पड़े। देखिए, इंदौर को देखकर ये तो पता चल गया कि अगर म्यूनिसिपल बॉडीज़, प्राइवेट कंपनीज़ और लोग सब एक साथ आ जाएं तो शहर तो क्या पूरे देश को साफ करके रख सकते हैं। और देवियों और सज्जनों, अब इसका वक्त आ चुका है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने 2016-17 में करीब 1.5 लाख टन वेस्ट जनरेट किया था और यही 2050 तक बढ़कर 3.5 गुना यानी कि करीब 6.5 लाख टन हो जाएगा। तो अगर अभी से वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर भारी दिक्कत हो सकती है। और यहीं पर अगर RRR पर ध्यान दे दिया गया, अरे पिक्चर की नहीं, रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल की बात कर रहा हूँ भाई, अगर इस पर ध्यान दे दिया गया तो एनवायरनमेंट तो दुआ देगा ही और देश को फाइनेंशियली भी काफ़ी फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप अपना शहर और अपना देश साफ करने के लिए सिर्फ 2 मिनट अपना गीला और सूखा कचरा अलग करने के लिए निकाल सकते हैं? जहां सरकार एक कदम ले रही है, क्या आप भी उनके कदम से कदम मिलाकर अपनी धरती माँ को स्वच्छ रखने के लिए इस मिशन में उनका साथ देंगे? अगर हाँ तो खुद से वादा कीजिए कि कल जब गार्बेज वाली गाड़ी आपके घर में आएगी तो आप उसे कूड़ा अलग करके ही देंगे। ऑन दिस नोट आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलरली आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।